हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रिशु कुशवाहा मूवेबल दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल की बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन दार्जिलिंग के बारे में, कि वहां पर क्यों घूमा जाए, वहां पर क्या चीज़ें हुई थी, वहां की कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कुछ अननोन फैक्ट। सो लेट्स बिगेन। दार्जिलिंग के बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। ये वेस्ट बंगाल का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है और टूरिस्ट अट्रैक्शन और हनीमूनर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसकी हाइट सी लेवल से 2050 मीटर पर है। दार्जिलिंग दो तिब्बतान वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डोर्जे प्लस लिंग। डोर्जे का मतलब होता है थंडरबोल्ट और लिंग का मतलब होता है लैंड। तो दार्जिलिंग का मतलब हो गया लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ का, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से ही बनाया गया हुआ है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कहलाता है। ये आज भी चलता है, अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो उसे इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइगर हिल। टाइगर हिल बहुत ही ज़्यादा फेमस है सनराइज और सनसेट देखने के लिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर और बहुत सारे टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग का टी प्लांटेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और दुनिया का सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन यहीं पर होता है, जो कि 87 एकड़ में फैला हुआ है और हर साल 11,000 टन का टी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग का रोपवे, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ये अंग्रेजों को टाइम पे बनाया गया था और सबसे लार्जेस्ट है एशिया का। यहाँ पर नेपाली और बंगाली कल्चर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर कभी कभी ब्लैक पैंथर भी दिखाई देता है। दार्जिलिंग का फेमस फूड है मोमोज, तुक्पा। तुक्पा एक तरह का चाउमीन है वहाँ का। चांग वहाँ की बियर है और वहाँ का नेपाली थाली, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस फूड है। दार्जिलिंग में बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि कहानी 2, प्रोफेसर, जग्गा जासूस, मैं हुना, राजू बन गया जेंटलमैन और बर्फी। कैसी लगी दार्जिलिंग की नॉलेज? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट करके ये बताइएगा कि आप कब वहाँ पर घूमने गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे थ्रू ट्रैवलिंग की नॉलेज मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।